रायबरेली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र का है, जहां लालगंज में स्थित वी मार्ट में काम करने वाला कर्मचारी रौनक अपनी ड्यूटी समाप्त करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया और असलहे के दम पर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल व जेब में रखे पैसे छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित रौनक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस टीम की मदद से 24 घंटे के अंदर ही 3 लुटेरों अर्पित सिंह, आकाश सिंह व दीपक सिंह निवासी सरेनी थाना क्षेत्र को दबोच लिया। पकड़े गए लुटेरों के पास लूटी हुई मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं लूट के फरार चौथे आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुमार जो लालगंज में वी मार्ट में काम करते थे, वो रात में दुकान बंद होने के बाद अपने घर मूसापुर जा रहे थे, तो रास्ते में भूसू की पुलिया है जो सरेनी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ आए तो 4 लोगों ने उनको घेर लिया, उनका मोबाइल, मोटरसाइकिल और जो उनके पास पैसा था उसको छीन लिए थे। साथ में वह सलाह उनको सटा दिए थे, जिससे कि वो और दहशत में हो गया। छीन लेने के बाद ये थाने पर आकर के सूचना दिए हमारे SHO सरेनी हरकेश सिंह साहब, तत्काल एक्शन में आकर के अपनी पूरी टीम के साथ घेराबंदी कर दिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।